ये गलत है कि नहीं? आप अगर हिसाब से गलत है कि नहीं? यहाँ पर 15 लाख का आबादी है और एक घर का ऑफिस आदमी कहाँ निकल आए? आप बताइए, गरीब हो या अमीर हो या टिकट कहाँ टिकट की थोड़ी कम लगता है? हमको जाना है कहीं तरह से अजमेर के टाइम में और पूजा के टाइम में, तो कहाँ से भाई? मतलब बंगाली भाई भी पूछा नहीं करा बोले रहीम भाई। एक सेकेंड बोलना यह है कि आखिर ममता बनर्जी 2009 में जब वो रेलवे मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने टाटा नीड बोरो 15 के लोगों को उन्होंने गिफ्ट दिया था। वो गिफ्ट ये था कि जो बरसों बरस से यहाँ के लोग जो कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि रेलवे काउंटर यहाँ पर हो और रेलवे के टिकट आसानी से यहाँ के लोगों को फराहम हो जाए, उसका तोहफा ममता बनर्जी ने अपने रेलवे मंत्री के टाइम में यहाँ 2009 में उन्होंने ये उद्घाटन किया और उस वक्त से बहुत ही स्मूथली चल रहा था। लेकिन अचानक अभी 13 तारीख को एक नोटिस आता है कि ये परमानेंट तरीके से बंद हो जाएगा। तो आखिर बात ये है कि जब बोरो 15 जहाँ कम 15 से 16 लाख की आबादी है और इस रेलवे काउंटर में अगर दूसरी जगह जाती है पहले तो यहाँ से कम से कम 14 से 13 किलोमीटर दूर है। लोग इतने बिजी है, यहाँ इतना मजदूर एरिया है कि लोग वहाँ जा भी नहीं पाते हैं। 200 रुपया 150 रुपये कमाने के लिए सारा चार घंटा यहाँ सर्फ होता है। तत्काल के लिए बहुत आराम रहता था सुबह सुबह, यहाँ हर तरह से आराम था, लोग खुद ये जाते थे। लेकिन 13 तारीख का नोटिस यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह का चोट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि उसका इंतहा हो गया है। चूँकि रेलवे काउंटर आप हटा रहे हैं 2009 से कम 15 साल हो गया है, लेकिन क्यों हटा रहे हैं? आज तक यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ। लोगों ने नोटिस में रीजन क्या दिया? हम बता रहे हैं कोई नोटिस में तो कुछ लिखा है ना? कोई रीजन नहीं है। कहने मतलब ये कि ये इलाका बहुत स्मूथली चलता है। टोटल ये माइनॉरिटी एरिया है, मुस्लिम एरिया है और यहाँ बहुत स्मूथली चल रहा है। लेकिन बिगैर किसी वजह से हटा रहे हैं, यहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर कोई डिस्टर्ब एरिया होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिफेंस फैक्ट्री JRSE नहीं होता यहाँ पर। अगर ये इलाका डिस्टर्ब होता तो यहाँ हिंदुस्तान लेवर जो बरसों बरस से चल रहा है यहाँ पर कामयाबी के साथ नहीं चलता। अगर डिस्टर्ब होता तो CST का सबसे बड़ा यूनिट सॉर्डन स्टेशन जो है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ बहुत सारा फैक्ट्रीज है, AIGC कंपनी यहाँ है। आखिर वजह क्या है? क्या आप यहाँ से लग सिर्फ यही वजह है कि एरिया माइनॉरिटी है, यहाँ पर अकेलेती लोग रहते हैं, यहाँ इस काउंटर में स्टूडेंट भी आती हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, लेडीज़ भी आती हैं, यहाँ पर जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग भी आते हैं। लेकिन आज पेशेंट भी आते हैं, इसके लिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने MLA जो यहाँ के कोलकाता के मेयर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं मिस्टर फराज हकीम साहब, हमारे यहाँ के MP जो है माला राय, हमारे यहाँ के काउंसलर इज्जत मुआब शम्स इकबाल अनिल भाई हैं, हम इनसे कोशिश करेंगे कि अवामी सहूलत के हिसाब से आपके लीडर ममता बनर्जी ने जो तोहफा दिया यहाँ के लोगों को, बोरो 15 के लोगों को, वो ये सल्व किया जा रहा है, छीना जा रहा है, इसका काउंटर आप करें। हम तमाम आवाम आपके साथ हैं, इसके लिए आप जिस तरह इशारा करेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर काउंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहें, आप वजह बताइए। कोई तो वजह होता है शिफ्ट करने का। ममता बनर्जी ने अपने जब वो हुकूमत में थी, सेंट्रल हुकूमत में, उन्होंने महसूस किया था कि यहाँ के लोगों को टिकट रेलवे टिकट के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ के लोगों को तोहफा दिया, यहाँ की CM थी। तो मैं सेंट्रल से ही कहना चाहूँगा आखिर क्या वजह है भाई? वो तो महसूस की थी कि हमारे यहाँ के वोटर सहूलत की वजह से यहाँ पर हम दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या नुकसान हुआ है, क्या परेशानी है जो यहाँ से विदाउट एनी नोटिस आप 4 दिन में दे रहे हैं? 4 दिन छुट्टी का दिन है, 4 दिन छुट्टी है, संडे है, नबी दिवस है,
विश्वकर्मा पूजा है, अचानक आज करने के बाद आप लेके चले जा रहे हैं। आपको नोटिस देना था, बाड़ी अलग को डिस्प्यूट अगर है, चूँकि रेंटेड है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइवेट है, उससे कोई डिस्प्यूट है उसका वजह बताइए। हम लोग साथ देंगे, हमारे MLA, हमारे कौंसलर सबसे इकबाल है, हमारी जो MP है, हमारे CM उससे बात करेंगे, इसलिए CM ही आना है ना, तो हमारे यहाँ पर बताओ वजह बताइए, वरना अगर यहाँ से रेलवे जाएगा तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का GRAC के तमाम यहाँ वर्कर को हम लोग रोक देंगे, GRAC का में जो जितने यहाँ काम होता सब हम लोग रोक देंगे यहाँ पर।